आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 10.6 का क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है। एक वृत्त की 5 सेंटीमीटर तथा 11 सेंटीमीटर की दो जीवाएं हैं, ए बी और सी डी एक दूसरे के समांतर हैं। एक वृत्त की 5 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर की दो जीवाएं ए बी और सी डी समांतर हैं एक दूसरे के और केंद्र की विपरीत दिशा में स्थित हैं। यदि ए बी और सी डी के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इससे रिलेटेड हम चित्र बना लेते हैं। यहाँ पे चित्र बना लिया है, देखिए ये एक वृत्त है यहाँ पर जिसका केंद्र ओ है, जिसका केंद्र क्या है ओ है, और यहाँ पर ए बी एक जीवा है और यहाँ सी डी दूसरी जीवा है। दोनों जीवाएं आप देख रहे हैं एक दूसरे के क्या हैं, समांतर हैं जैसा कि चित्र में बनाया गया और जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया उसी के अनुसार यहाँ चित्र में बनाया गया है। ए बी की जो लंबाई है 5 सेंटीमीटर दिया गया है चित्र में और सी डी की लंबाई 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ए बी और सी डी के बीच की जो दूरी है वो 5 सेंटीमीटर यहाँ दिया हुआ है। ये 5 सेंटीमीटर मैंने बना दिया, ये 5 है सॉरी 6 है, इसके बीच की दूरी क्या दी गई है 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर ये बीच की दूरी दी गई है। तो आपको क्या करना है, वृत्त की त्रिज्या निकालना है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, केंद्र से परिधि पर मिलाने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको मिला देंगे, ठीक है, और यहाँ से हम इसको भी मिला देंगे तो ये भी तो वृत्त की त्रिज्या ही होगी। यहाँ से इसको हम मिला देंगे तो ये भी वृत्त की त्रिज्या ही होगी, है ना। तो वृत्त की त्रिज्या है केंद्र से परिधि पर, परिधि पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड होती है। ये वृत्त की त्रिज्या होगी आर, ठीक है ना, क्या हो गई ये आर हो गई, ये भी आर हो गया। तो ये वृत्त की त्रिज्या हो गई, ये भी वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है, और ये इसके बीच की दूरी कितनी है, ए बी और सी डी की 6 सेंटीमीटर है, ये पूरा 6 सेंटीमीटर है। इसको हम एक्स मान लेते हैं, इतने दूरी को क्या मान लें एक्स। तो यहाँ पर इस दूरी को मैंने यहाँ से इसका नाम दे दे रहे हैं, यहाँ पर इसको नाम दे रहे हैं, यहाँ जो नाम है इसको एम नाम दे दिया जा रहा है, इसको थोड़ा सा ऊपर बनाना पड़ेगा, इसको एम, पूरा ये 11 सेंटीमीटर, और इसको यहाँ पर नाम दे दे रहे हैं एन, नहीं इसका नाम एन हो गया। और ये पूरा का पूरा ये जो है एक्स है यहाँ से एम ओ, ओ एम पूरा एक्स माना है आपने, तो ओ एन कितना होगा, ओ एन होगा आपका 6 माइनस एक्स, मतलब बड़ी वाली दूरी में से छोटे वाली दूरी घटाते हैं तो ये दूरी मिल जाएगी, यहाँ पे 6 माइनस एक्स हो जाएगा, 6 माइनस एक्स हो जाएगा, साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, 6 माइनस एक्स, अभी इसको हम लिख लेते हैं, 6 माइनस एक्स हो जाएगा, बड़े वाले दूरी में से इस छोटे वाले दूरी घटाएंगे तो ये ओ एम आपको मिल जाएगा। चलिए क्या दिया हुआ है यहाँ लिख लीजिए हल, ठीक है, दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। ए बी कितना दिया है, ए बी है आपका 5 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, छोटा छोटा लिखा है मैंने, तो यहाँ ए बी को यहाँ पे लिख दिया है, ए बी दिया है 5 सेंटीमीटर, और सी डी कितना दिया है, सी डी दिया है 11 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है, और ए बी और सी डी के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है, मतलब एम एन कितना है, एम एन है आपका 6 सेंटीमीटर, एम और एन 6 सेंटीमीटर है, और ओ एम कितना है, ओ एम है एक्स सेंटीमीटर, ये माना है आपने, ठीक है ना। और तो आपको निकालना है ओ एन, तो ओ एन क्या होगा, ओ एन होगा एम एन में से किसको घटा देंगे, ओ एम को घटा देंगे, तो एम एन में से ओ एम घटाएंगे तो 6 में से एक्स को घटा देंगे, यानी कि 6 माइनस एक्स सेंटीमीटर आपको ओ एन आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ओ ए जो है वो आर है, वृत्त की त्रिज्या है, और ओ सी भी
वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं, तो इसलिए ओ ए बराबर ओ सी बराबर आर लिखा है। ठीक है, अब ये ए बी पूरा का पूरा क्या है, 5 सेंटीमीटर है, तो ए एम कितना होगा, ए बी 5 सेंटीमीटर है तो ए एम कितना होगा, ए एम हो जाएगा 5/2, है ना, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो 5/2 हो जाएगी, और ए बी कितना होगा, एम बी भी 5/2 होगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब देखिए यहाँ पर सी डी पूरा 11 है, तो ये कितना होगा, एम डी 11/2 हो जाएगा, और ये भी 11/2 हो जाएगा ना, आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर तथा आपका एम है 5/2 और सी एम है 11/2, ठीक है यहाँ पर, और एम बी भी 5/2 है और एम डी भी 5/2 है, ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए, और एम बी भी कितना है, 5/2 है और एम डी भी 11/2 है, इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज से चलेंगे, त्रिभुज ओ एम ए में, चूँकि ये क्या है, ये ऐसा त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज बना है ना, एक समकोण त्रिभुज है, तो इसमें हम पाइथागोरस पर में लगा सकते हैं, तो त्रिभुज ओ एम सॉरी यहाँ पे एम नहीं है, यहाँ एन है, यहाँ पे ओ एन है, एम एन है, तो ओ एन ए एन यहाँ पे होगा, ठीक है ना, एम नहीं है, ए एन है, ठीक है, और यहाँ पर भी कहीं एम एन होगा, सॉरी बी एन होगा, बी एन ये एन माना गया है, तो ये बी एन है। और अब इस त्रिभुज में हम चलेंगे, जब त्रिभुज ओ एन में आप चलेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते हैं कि ये जो है ये 90 डिग्री सामने वाला एक कर्ण होता है, बाकी ये लंब होगा, ये आधार होगा, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, अर्थात ओ ए का स्क्वायर बराबर ओ एन का स्क्वायर प्लस ए एन का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ओ ए दिया हुआ आर, वृत्त की त्रिज्या आर माना है हमने, आर स्क्वायर बराबर ओ एन है 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए एन है 5/2, आप देख रहे हैं ए एन कितना है 5/2, 5/2 का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर बराबर मिल जाएगा, इसका ए माइनस बी का होल स्क्वायर से तोड़ देंगे। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है 2ab होता है, इसको क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर 36 प्लस बी मतलब एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा माइनस 2a, ए और बी जो है 6 और एक्स है उसमें 2 से गुणा कर देंगे तो माइनस 12x आ जाएगा, इसका वर्ग कर देंगे तो 25/4 आ जाएगा। अब इस 4 का इसमें गुणा कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे एक तरह से, तो एलसीएम ले लेंगे एक तरीके से एलसीएम ले लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 4 का इधर गुणा करोगे तो 4x स्क्वायर, देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर ये जो दिया गया था x स्क्वायर को आगे लिख लिया है, इसको मैंने पीछे लिख लिया, फिर 36 और इसको एक साथ लिख लिया, अब 4 का इस तरह गुणा करेंगे तो 4x स्क्वायर 12x 48x प्लस 4 का 36 में 144 प्लस 25/4 आ जाएगा, एक तरह से एलसीएम लिया गया है, इसको मैंने समीकरण नंबर 3 मान लिया है। ठीक है, अब इसी तरह से त्रिभुज ओ एम सी में, तो जब हम त्रिभुज ओ एम सी में चलेंगे, त्रिभुज ओ एम सी में, तो ये 90 डिग्री के सामने वाला एक कर्ण होता है, ये लंब है, ये आधार है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इसमें, तो ओ सी का स्क्वायर प्लस बराबर ओ एम का स्क्वायर प्लस एम सी का स्क्वायर, अब ओ सी जो है आर है, आर का स्क्वायर, ओ एम है एक्स है, यहाँ पे देख रहे हैं माना है मैंने, तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, एम सी है 11/2 तो 11/2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर 121 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब इसका लघुत्तम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो 4 का इधर गुणा करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 121/4, ये आर स्क्वायर बराबर इतना मिल जाएगा, इसको समीकरण नंबर 4 मान लिया। अब समीकरण 3 और 4 से दोनों का मान राइट लेफ्ट साइड बराबर, आर स्क्वायर तो दोनों को बराबर कर सकते हैं।
जब समीकरण 3 और 4 से चलेंगे तो आर स्क्वायर लेफ्ट साइड बराबर था, दोनों का मान आर स्क्वायर के बराबर था, तो ये भी राइट साइड भी बराबर हो जाएंगे। अभी क्या हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा तो क्या मिलेगा, 4x² - 48x, इनको जोड़ लेते हैं, 169 हो जाएगा बराबर 4x² + 121। अब ये 4x² से कट जाएगा क्योंकि समान चिन्ह है, क्या बचेगा 48x + 169 = 121। तो ये 169 में से इधर लाएंगे इसको तो घट जाएगा 121, इसको उधर ले जाएंगे तो धन चिन्ह हो जाएगा इसका, है ना, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इसमें से घटा देंगे 9 में से 1 गया 8, 6 में से 2 गया 4, 6 में से 2 गया कितना हो गया 4, और ये 48x, यानी कि इम्प्लाइज करेगा कि x का मान कितना मिलेगा, 1, x का मान 1 मिल गया, कट गया, x का मान क्या आ गया 1। अब x का मान 1 हम समीकरण 4 में रख देंगे। अब देखिए ये समीकरण 4 है तो क्या होगा, आर स्क्वायर बराबर x का मान 1 रखना है, यानी कि 4 × 1² + 121 / यहाँ पे क्या रख रहे हैं आप, x बराबर 1, तो कितना होगा बटे 4, आर स्क्वायर बराबर मिल जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 4 × 1 + 121 / 4, 4 × 4 + 121 / 4, ठीक है, तो आर 125 / 4 बराबर आर स्क्वायर। अब इसको क्या लिख सकते हैं, आर बराबर करड़ी में 125 / 4, इसको अब लिख सकते हैं, इसको इस चीज़ को लिख सकते हैं आप, इम्प्लाइज दैट आर बराबर 5 करड़ी में 5 / 2, ये आ जाएगा सेंटीमीटर, यही आपका आर का मान हो गया, हाँ। तो वृत्तों की त्रिज्या आपने ज्ञात कर ली, आर बराबर 5 करड़ी में 5 / 2 सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया।